गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कैबेज के बारे में, जिसे हिंदी में बंद गोभी कहा जाता है। और इसके बॉटनिकल नेम की बात किया जाए तो ब्रेसिका ओलरेसिया, और वैरायटी जो है कैपिटाटा है, और फैमिली क्रूसीफेरी होती है। क्रोमोसोम नंबर इसका 18 है, 2n = 18। और इसे बंद गोभी के साथ साथ पात गोभी भी कहा जाता है। और इसमें बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन ए बी सी की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ओरिजिन्स की अगर बात करें तो पश्चिमी यूरोप है, और विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है तो चीन में होता है, दूसरे नंबर पे भारत इसका वो सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में अगर बात किया जाए तो पश्चिम उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, ये स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। सॉयल एंड क्लाइमेट्स की बात किया जाए तो ठंडी जो जलवायु होती है यानी कि विंटर सीजन की क्रॉप्स है, और खेती के लिए सब विंटर सीजन की क्रॉप है। और 12 से 15 यानी 12.8 से 15.6 सेंटीग्रेड पर अच्छा उत्पादन होता है। अगर 25 सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर हो रहा है तो फिर वहाँ पे उत्पादन इसका प्रभावित होने लगता है। मिट्टी की जहाँ तक बात है, चिकनी दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। पीएच जो होगा वो 5 से लेकर 5.5 से 6.5 के बीच में पीएच होना चाहिए। सोविंग टाइम क्या होगा और ट्रांसप्लांटिंग, तो अगेती अगर फसल बोना है, अगेती की अगर बुआई करनी है तो अगस्त के महीने में बो सकते हैं आप। और अगर मेन फसल जो बोई जाती है वो सितंबर में बोई जाती है, और लेट अगर बोना है तो पछेती वैरायटी की अगर बुआई करनी है तो वो आपका अक्टूबर होगा, और मुख्य फसल अगर लेनी है तो आपको सितंबर में नर्सरी डालना पड़ेगा। नर्सरी डालने के 4 से 6 सप्ताह बाद आप ट्रांसप्लांटिंग या उसकी रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करते समय आप इन दूरियों की विशेष ध्यान रखेंगे, यानी पौधे से पौधे की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी क्या होनी चाहिए इसको फॉलो करना होगा। सीड रेट जो है 500 से 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट लगता है। नर्सरी डालते समय अगर नर्सरी के जहाँ तक बात है कि नर्सरी किसे कहते हैं, तो एक से छोटे से भूभाग में नर्सरी डालने के लिए उपयोग किया जाता है, और उसमें बहुत कम कास्ट और बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है और बहुत कम मेहनत लगता है वहाँ पे। तो उस नर्सरी को डालने के बाद हम फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं खेतों में। इम्प्रूव वैरायटी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सी इम्प्रूव वैरायटी हैं। गोल्डन एकर है, प्राइड ऑफ इंडिया है, पूसा मुक्ता है, रेड कवरेज है, रेड कैवेज है, और कई हाइब्रिड वैरायटी हैं। तो उन हाइब्रिड वैरायटियों की हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक फीचर्स क्या है। जो मेन वैरायटी हैं जैसे गोल्डन एकर है, तो गोल्डन एकर की अगर बात किया जाए तो ये सिलेक्शन किससे की गई है, तो एक वैरायटी थी कोपहेगन मार्केट नाम की वैरायटी थी, और उसमें से सिलेक्शन किया गया, मतलब कि कोपहेगन वैरायटी थी उसमें से सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू ये काम किया गया कई सालों तक, तो उससे एक वैरायटी निकली जिसका नाम गोल्डन एकर रखा गया। ये 60 से 65 दिन में जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके 60 से 65 दिन में हेड का फॉर्मेशन हो जाता है। मींस हेड का मतलब हो गया है कि उसका फल लग जाता है कैबेज का, और जो फल का वजन होता है वो 1 से 1.5 किलोग्राम का होता है। और डेवलप कौन किया है, IRI, ठीक है, IRI न्यू दिल्ली में डेवलप किया गया है। थोड़ा सा इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि क्रैकिंग प्रॉब्लम होती है, यानी कि तो अगर आप तोड़ने में डिले कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग में डिले कर रहे हैं, तो अपने आप फटने लगता है इसका फल। कोपहेगन जो वैरायटी थी, कोपहेगन भी क्या थी कि राउंड हेड की वैरायटी थी, यानी कि जो हेड था कोपहेगन की यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो राउंड हेड होता था लेकिन वजन उसका जो होता था लगभग 3 किलोग्राम का होता है। तो वजन इसके अपेक्षाकृत 1.5 से 3 किलोग्राम होता है, और गोल्डन एकर जो है 1 से 1.5 किलोग्राम ही होता है। प्राइड ऑफ इंडिया की अगर बात किया जाए तो इसको इंट्रोडक्शन के द्वारा डेवलप किया गया। इंट्रोडक्शन मीन्स हो गया कि बाहर से किसी लाई हुई वैरायटी से इसका डेवलपमेंट किया गया है। तो YS एक यूनिवर्सिटी है, YS परमार यूनिवर्सिटी जो सोलन में है, वहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। और इसका हेड जो होता है बड़ा होता है, और लेकिन वजन जो है 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि सिलेक्शन फ्रॉम कोपहेगन मार्केट, यानी कि कोपहेगन मार्केट जो वैरायटी था उसी से सिलेक्शन करके इसको भी डेवलप किया गया है। और कोपहेगन मार्केट जो वैरायटी है ये बाहर से इंट्रोड्यूस की गई है, बाहर से ला करके भारत में ग्रो की गई है। पूसा मुक्ता है जो कि ये भी सिलेक्शन के द्वारा, पूसा मुक्ता सिलेक्शन 8, और इसमें किया गया कि दो वैरायटी को, यानी कि ये वैरायटी का एक तरह से जिन वैरायटी के क्रॉस से तैयार किया गया उनका नाम है EC 24855 और EC 10109, और कहाँ किया गया, IRI में किया गया। तो IRI में बहुत सारे रीजनल सेंटर होते हैं, यानी छोटे छोटे सेंटर बनाए गए रहते हैं,
तो उन पे सभी जगहों पे ट्रायल लगता है, तो जिसे तो हमको इन सेंटर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसकी अगर हम विशेषता करें तो जो राउंड हेड होता है, यानी कि इसकी जो साइज होगी मीडियम साइज का होगा और राउंड हेड होगा, और स्लाइटली थोड़ी सी लेट वैरायटी है गोल्डन एकर की अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो थोड़ी सी पछेती या लेट वैरायटी है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि रेड रॉट यानी कि ब्लैक रॉट के प्रति रेसिस्टेंस होती है। आइडेंटिफाइड कहाँ से निकाला गया है, कहाँ से पहचान कर निकाला गया है, तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट वेजिटेबल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट रिलीज बाई सेंट्रल सब कमेटी क्रॉप स्टैंडर्ड एंड नोटिफिकेशन एंड रिलीज वैरायटी, ठीक है। तो यहाँ से निकाला गया है, तो जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट वेजिटेबल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, तो ये लगभग हर क्रॉप के लिए अलग अलग चलता है, तो वेजिटेबल से संबंधित था तो इसके द्वारा निकाला गया, और फिर बाय सेंट्रल कमेटी ऑन क्रॉप स्टैंडर्ड यानी कि उसके अंतर्गत आता है। पूसा अगेती वैरायटी जो है इसकी बात करते हैं, पूसा अगेती जो होती है फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी है, फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी है डेवलप जो की गई है, वो है हाई टेम्परेचर कंडीशन के लिए है, अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कैबेज में कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें फ्रूट क्रैकिंग शुरू हो जाती है, फ्रूट्स क्रैकिंग कहें या फिर फसल नष्ट होने लगती है या ग्रोथ प्रभावित होने लगता है, तो उस कंडीशन के लिए ये वैरायटी पूसा अगेती जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि नॉर्मली देखिए नॉर्मली 15 से 20 सेंटीग्रेड पे हम लोग खेती करते हैं कैबेज का, लेकिन ये क्या है कि 15 से लेकर के 30 सेंटीग्रेड तक हेड का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में 70 से 90 दिन पे हमको आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के 70 से 90 दिन पे हमको फल मिलना शुरू हो जाएगा, और फल की जो वजन होगा यानी कि एक हेड जो होगा हमको यानी कि एक फ्रूट जो मिलेगा वो 600 से 1200 ग्राम होगा, तो ऑन एवरेज एक बहुत बड़ा फ्रूट तो नहीं होगा लेकिन एक ठीक है एक एवरेज साइज का फ्रूट मिलता है पूसा अगेती का। तो ये वैरायटीज़ जो थी इम्पोर्टेंट उसके बारे में हो गया, उसका फीचर्स क्या है, ये तीन चार वैरायटियाँ हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आती भी हैं। देखिए अब बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का, और इसमें पिछले क्रॉप की तरह है, कुछ नया नहीं है कि 15 टन FIM देना है, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देना है। रोपाई के बाद आप सिंचाई उसमें आवश्यकता होता है तो तुरंत सिंचाई की जाती है, और फिर उसके बाद कुछ कुछ दिन के अंतराल पर सिंचाई किया जाता है। विशेष ध्यान देना होता है कि जब फ्रूट्स हमारा तैयार हो जाए यानी कि हेड का फॉर्मेशन हो जाए तब वहाँ पर सिंचाई नहीं की जाती, या बहुत अगर ज़रूरत है तो बहुत हल्की सिंचाई की जाती है। अगर वीड कंट्रोल करना है तो वीड कंट्रोल के लिए हम यूज क्या करेंगे, ट्राई फ्लोरोलिन का यूज करते हैं 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा अगर हम दूसरा विकल्प देखें तो नाइट्रोफेन का यूज कर सकते हैं 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर एलाक्लोर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्लांट प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसमें कैटरपिलर लगता है, ठीक है, तो कैटरपिलर ग्रास कैटरपिलर लगता है, और कैटरपिलर करता है क्या कि हेड में जो हेड होता है यानी कि उसमें होल करके इंटर्ड कर जाता है जिससे पूरी फसल हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हम एनाफ सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं 0.1% के एंडोसल्फान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर डैम्पिंग ऑफ लग रहा है और डाउली मिल्डी हो रही है तो इस सब के बारे में पहले भी चर्चा किया गया है कि डैम्पिंग ऑफ जो लगता है वो नर्सरी के समय लगता है यानी सीडलिंग में लगता है, और होता है क्या कि पौधा सूख जाता है गल जाता है नीचे की तरफ से, तो इसको रोकने के लिए 2% कार्बेंडोजिम का इस्तेमाल किया जाता है। इससे सीड का ट्रीटमेंट कर देंगे तो एक तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है या अवॉइड किया जा सकता है। डाउनी मिल्ड्री जो है इस डाउनी मिल्ड्री जो होता है पेर्नोस्पोरा पैरासिटिकस होता है, और इसमें एक सेकेंड ठीक है पत्तियों नीचे से भूरी हो जाती है और गहरे रंग के भूरे रंग के मतलब इस पर स्पॉट्स बन जाते हैं ब्राउनिश स्पॉट्स बनते हैं, और इसको अगर रखना है तो थीरम से हम इसको सीड को ट्रीटमेंट कर देंगे ट्रांसप्लांटिंग के समय नर्सरी डालते समय, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। हार्वेस्टिंग की अगर बात की जाए तो बंद गोभी जो होती है उसकी कटाई या तुड़ाई की बात करें तो दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक की जाती है। अगेती वैरायटी अगर है तो आप 60 से 80 दिन बाद, और पछेती वैरायटी है तो 100 से 120 दिन बाद,
इसका हार्वेस्ट करेंगे। टोटल यील्ड की अगर जहाँ तक उत्पादन की बात किया जाए तो अगेती वैरायटी का 33 से लेकर के 45 दिन में तैयार होता है, सॉरी 35 से 45 टन तक उत्पादन होता है। अगर हाइब्रिड वैरायटी की बात किया जाए तो 70-80 टन तक प्रति हेक्टेयर हमको उत्पादन देती है। तो आज कैबेज के बारे में था, तो जहाँ तक है कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप पूछिएगा, ठीक है। और नोट से संबंधित किसी तरह की समस्या हो रही है तो उसको भी कमेंट में लिखिएगा, जैसे कि आगे इसको सही कराया जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।